कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी के लिए इस समय ऋषि ने तरकीब सोच ली है। क्योंकि दोस्तों ऋषि को पता चल ही गया है कि पहले से ही शादीशुदा है विक्रांत, और विक्रांत सभी लोगों को धोखा दे रहा है। यहाँ तक कि उसने लक्ष्मी से ये भी बोल दिया है कि लक्ष्मी ये बिल्कुल मेरे साथ में बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मुझे झूठा बना रहा है, मैं कहीं से कहीं तक भी शादीशुदा या किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं हूँ। दोस्तों विक्रांत की ये चाल वाकई में कहीं ना कहीं कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात की जाए इस समय लक्ष्मी की बहन और साथ में आयुष की, तो ये लोग बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम ये शादी नहीं होने देंगे। वहीं ऋषि की दादी का जो फैसला है वो बिल्कुल अटल है। उसने बोल दिया है कि किसी भी तरीका से ये शादी अभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कई कारण देखने को मिल रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। इस शादी को हम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि शादी पोस्टपोन करने का मतलब है कि कुछ समय के लिए और इस शादी को कैंसिल करना। वो ही नहीं चाहता था ये आयुष कि किसी भी तरीका से ये फिर से शादी की झंझट हो। जी हाँ, वो चाहता है कि जल्द से जल्द विक्रांत की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाए। भाई मलिष्का थोड़ा टेंशन में चल रही है। मलिष्का को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ऋषि और आयुष की बात सच निकले और ये वाकई में किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो ये लक्ष्मी की शादी कैंसिल हो जाएगी, फिर तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि दोस्तों मलिष्का चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऋषि हमेशा हमेशा के लिए इस लक्ष्मी को यहाँ से विदा कर दे, वो भी विक्रांत के साथ में। लेकिन दोस्तों कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई ट्विस्ट बदलने जा रही है। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। जी हाँ गाइज, आप लोगों से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है गाइज। थैंक यू।